निशान, वो रही सोफोनिस्वा। मगर ये तो पत्थर का मुजस्मा बनी हुई है। इस पत्थर के मुजस्मे को मैं मोम की तरह पिघला दूंगी। अगर तूने मेरी शरारा गुल को मोम की तरह पिघला दिया तो मैं तुझे और तेरे बाप को पानी की तरह बहा दूंगा। तू अपना जादू आजमा और मैं अपना अमल आजमाती हूँ। सोफोनिस्वा भी मर जाएगी। मैं उसे मौत की सजा दूंगी। नहीं आबिदा, मौत तो चंद पल के लिए आएगी, चली जाएगी। सोफोनिस्वा मर जाएगी। तुम उसको वो सजा दो जो मौत से भी बढ़कर हो। पल पल किश्तों में मरती रहेगी, पागल जानवरों की तरह मार खाती रहेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही बना देती हूँ। पहले मैं इस पत्थर को सोफोनिस्वा तो बना दूँ। ए बूटे बदरू, अपनी असली हालत में आ। बेवफा, मैं हुक्म देती हूँ, सोफोनिस्वा बन जा, सोफोनिस्वा बन जा। आबिदा, तूने मुझे पत्थर में से भी निकाल लिया। हाँ, सजा देने के लिए। मौत की सजा? हाँ, मौत भी मिलेगी, मगर पहले तुझे हैवान घोड़ी बना दूंगी। नहीं नहीं, जिशान 11 साल तक तुझे 40 छड़ियां मारता रहेगा। ठीक 11 साल पूरे होते ही तुझ में आग लग जाएगी और तेरे जिस्म के साथ साथ तेरी रूह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं, 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 मुझे घोड़ी मत बनाओ। नहीं 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 अभिदा, नहीं,
जलील, कमीनी, बदरू डाई, हराम जादी, चल चल कमीनी, चल मेरे साथ, चल। मैं कामिना, अब इस बहकाने को बर्बाद कर देना चाहिए। हाँ भाईजान, तुमने ठीक कहा है। जादुई तहखाना बर्बाद हो गया और सोफोनिस्बा घोड़ी बन गई। फिर क्या हुआ? हुजूर अमीरुल मोमिनीन, इसके बाद मैं शहर बसरा छोड़कर बगदाद आ गया। और आबिदा का क्या हुआ? आबिदा से मैंने शादी करने की कोशिश की, मगर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हुई। वो मुझसे नाराज थी कि मैंने सोफोनिस्बा से शादी क्यों की थी। आबिदा ने मुझे माफ नहीं किया। और अब कब तक सोफोनिस्बा को छड़ियां मारते रहोगे? आज आखिरी दिन है। आज पूरे 11 साल हो गए हैं। आज वो आग में जलकर हमेशा के लिए राख बन जाएंगे। जलील, बदरू, डैन, खानी, खातिर, देवता, बदतमीज, जलील, कमीनी, डैन, बदरू, खातिर, देवता, बदतमीज, कमीनी, खानी, खातिर। सोफोनिस्बा शरारा गुल 11 साल तक सजा काटने के बाद मौत की आग में जलकर राख हो गई। वाकई कितनी हैरत अंगेज और अजीब कहानी है। जिशान, आबिदा और सोफोनिस्बा की। मगर सोफोनिस्बा के जलने के बाद आबिदा ने शादी से इनकार क्यों किया? ये एक औरत की, आबिदा की खुददारी थी। उस वक्त जिशान ने सोफोनिस्बा के हुस्न को देखकर आबिदा को भुला दिया था, और इसमें आबिदा ने अपनी और अपनी मोहब्बत की बेइज्जती महसूस की। जिशान की बेवफाई ने आबिदा के दिल में जख्म कर दिया। हालांकि आबिदा हमेशा जिशान का भला चाहती थी, लेकिन उसने शादी के मामले में जिशान को मुआफ नहीं किया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप औरत हैं और औरत के जज्बात और खुददारी को आप हमसे ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। शुक्रिया, आपने औरत के जज्बात और उसकी खुददारी की कद्र की। लीजिए, आपके गश्त पर जाने का भी वक्त हो चला। शुक्रिया, आपको हमारे फर्ज का एहसास है। इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम हुजूर। तैयारियां पूरी हो गई? हाँ अमीरुल मोमिनीन, मगर हुजूर आज बगदाद के किस इलाके का गश्त करने का इरादा है आपका? यूं करते हैं, आज मशरकी इलाके का गश्त लगाते हैं। उस तरफ से निकले काफी अरसा बीत चुका है। बजा फरमाया हुजूर। आइए चलिए। आओ